पहुंचे यहाँ पे तो थोड़े से ओले गिरे थे, हम उसी में खुश हो गए। फिर आज हम लोग ने देखा रात को 3:30 बजे अचानक हमें उठे थे 2 मिनट के लिए, विंडो ओपन किया तो पूरा स्नो ही स्नो था। वो देख के तो मतलब दिल खुश हो गया, मजा आ गया। और सुबह इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि रात भर और अभी सुबह तक इतना स्नोफॉल मिलेगा, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, सच में कश्मीर में जन्नत है, मजा आ गया सच में। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी मथुरा से आया हूँ यूपी से, और मैं पहली बार यहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिली। पहले भी मैं अप्रैल में आ चुका हूँ यहाँ पर, पहले जहाँ धूप थी, तो आज पहली बार अप्रैल के महीने में सोच के नहीं आया था यहाँ स्नोफॉल मिलेगी, बहुत अच्छा लगा। मिल गई, हम लोग इस समय भोपाल से आए हुए हैं एमपी से, हमें उम्मीद नहीं थी कि इस समय इतनी अच्छी और इतनी शानदार बर्फबारी मिलेगी, बट गुलमर्ग में आके जो कहते हैं कि कश्मीर में जन्नत है, वो रियली वी आर फीलिंग दैट वी आर इन हेवन। और मतलब शुक्रिया उस खुदा का, इसने इतना अच्छा मौसम यहाँ दिया है, और हमें उम्मीद है कि अभी आने वाले 2-4 दिनों में और जो भी पर्यटक यहाँ आएंगे उन्हें ऐसा ही मौसम मिलेगा। बहुत ही मजा आ गया है, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पर जो है वो खेल रहे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं, मजा आ गया, स्नोमैन बना रहे हैं, और बहुत सभी दूर पर्यटक है चारों तरफ, और सफेद ही सफेद पूरी चादर हुई है।